नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी। आज हम देखेंगे पेज नंबर 48 नंबर का ही देखो, क्योंकि आपने पाठ रचना समझना का प्रयत्न कर लीजिए। अविनाश कहता है, छोड़िए इन फालतू बातों को, फालतू यानी बेकार, बेकार की बातों को आप छोड़ दीजिए। आप बे आइडिए और कहिए कि हमें आज जवाब चाहिए। नरेश कहता है, अभी। गणेश कहता है, अच्छा चौकीदार के पास जाकर दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूँ, दरवाजा खोल दो क्या हुक्म नहीं है? हुक्म यानी कि इजाजत नहीं है। मैं कहता हूँ खोल दो, वरना तुरंत भीतर आ जाऊंगा। अविनाश कहता है, अरे रमेश भाई, आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं? ऐसा कीजिए, पर इसे दे दीजिए, भीतर जाकर ले आएगा। रमेश कहता है, दे दिया। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। रमेश को देर तक वहां खड़ा रहता है और लौट आता है, बड़ी प्यास लगी, तरस लगी थी। नरेश कहता है, मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि। दिनेश कहता है, मैं तो जीवन में पहली बार उपवास करना, उपवास यानी व्रत करना। अविनाश, किसने कहा था कि? रमेश कहता है, मैंने। उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़कर नहीं ले जाती। दिनेश कहती है, पुलिस तो यहाँ है ही का। रमेश कहता है, यहाँ ना हो पड़ोस के गाँव में तो है। नरेश कहता है, तो क्या? अविनाश कहता है, कुछ नहीं, वे आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो, दरवाजे की ओर निर्देश करता है उन लोगों को। और नरेश कहता है, आपकी बात मान लीजिए। अविनाश कहता है, आज नहीं तो कल मानेंगे। रमेश कहता है, तुम बड़े आशावादी हो। अविनाश, अविनाश, मुंह तभी तो इस काम में जो चौकीदार आ गया। सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं, वह बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर जाता है। चौकीदार नरेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। नरेश कहता है, जो सब बात है वहां पर कोई नहीं था, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, सब चले जाते हैं। अविनाश धैर्य और दृढ़ता से कहता है, वहां पर जाएंगे का, उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। रमेश कहता है, कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया। निमेश कहता है, वे लोग काफी चैन से सोएंगे और हम यहाँ। नरेश कहता है, हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उनकी नींद आराम कर देंगे। अविनाश कहता है, चिंता से और क्या करोगे? रमेश कहता है, दरवाजा तोड़कर वे अपना पत्र खोल जाएंगे और हम उनके घर, वहां उनके पालतू कुत्ते यानी कि उनके लोग जो है वे हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है, हाथ में पत्र लेने का अभिनय पड़ता है। ठीक है, पटरा यानी पत्रकार मारेंगे, ऐसा अभिनय पड़ता है। निमेश कहता है, जल्दी अविनाश भाई उठाइए पत्थर। अविनाश, मजाक छोड़ो, इसे तो अभी मजाक समझ रहे हो, मारे पड़े, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ मार करें। अविनाश कहता है, ये संभव नहीं है, हम इस पकड़ को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो हमारा है। रमेश कहता है, कि आप इस भ्रम में है कि ये हमारा है, चलो निमेश, ये क्यों कर रहे हो? अविनाश कहता है, रुक जाओ, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। नरेश कहता है, वरना क्या, तुमने तो हमें इस दिन में भड़काया था। अविनाश कहता है, भड़काया नहीं था, जगाना चाह था, शायद मैं मेरी गलती थी और मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे पत्र बदल करेंगे यह मुझे पता नहीं था। रमेश कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ यह चौपट देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। अविनाश कहता है, मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता, तो हमें साथ दो। नरेश कहता है, हमको ज्यादा ताकत करो, आओ हाथ बटाओ। तीनों जोरों से पथराव शुरू कर देते हैं, टूटने फूटने की आवाज आने लगती है, सभी पत्थरबाजी करते हैं। अविनाश, आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है, भले मुझे चोट लगे, आप पत्थर मारेंगे तो मुझे चोट लगेगी, हम इशारा लगाना चाहते हैं। नरेश कहता है, कि हमारा दुश्मन थोड़े ही है, पत्थर चल रहा है, कभी माँ पर रुपी आती है। अविनाश को सामने खड़ा हुआ देखकर चीख पड़ती है, ये क्या आप लोग अविनाश जी पर बात कर रहे हैं? नहीं, मकान पर। नरेश कहता है, लटाओ इससे हट जाए, नहीं हटे, ये तो हमारे पत्थर, इन्हें चोट पहुंची तो
रमेश कहता है हम पकड़ते हैं कि ये चोरता है, हम तो ये बचाते हैं, ये पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर उनको लग भी जाए। वो भी लोगों के आगे इधर उधर चलती है ताकि वे पत्थर फेंक ना सके, परंतु वे गोपी को बजाकर बाहर बढ़ते रहते हैं। अविनाश कहता है इन्हें मत रोको, गोपी ये सुशील तैयारी पढ़ी लिखी है समझदार है, परंतु अभी इन्हें अपने हाथ में से कुछ रचा नहीं है, निर्माण नहीं किया है, कोई मानक नहीं बनाएंगे। मुझे इस मकान से लगा है क्योंकि जब इसकी यानी इसका पाया रख रहे थे तब मैंने इसे श्रेष्ठता से आगे बढ़ाया था। रमेश कहता है रुक जाओ रमेश, नरेश नरेश नहीं रुकता, रमेश उसका हाथ पकड़ कर रुकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते समय संतुलन गवा देता है, अविनाश को चोट लगती है, गोपी कहती है ये आपने क्या किया। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है, अविनाश कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है गोपी, सामने से आके बोले आके आके तो भी मैं नहीं हटता, यदि निमेश का नरेश ने भी मेरी इसी तरह मकान की रचना करने में हाथ बताया तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंगदा खड़ी रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण नहीं किया है। हमें माफ करो अविनाश, तुम्हें आज हमने सही अर्थों में झपाया है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प संकल्प करते हैं कि तुम्हारी किसी या किसी की भी रचना को निर्माण को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे और सहेंगे। गोपी इसमें मैं आपका साथ दूंगी, फिर प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले और आकर बैठती है तो उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार इसमें बताया गया है पाठ में कि हम किसी भी चीज को अपने और लोग पसीने की कमाई से बनाते हैं तो उसे तोड़ते हुए देखकर हमें दुख होता है, हम उसे तोड़ने नहीं देते हैं। इस प्रकार ये सब आप पाठ अपने आप पढ़िएगा और ये सारे शब्दार्थ भी अपनी गोद में लिखिएगा।